और मुझे उम्मीद है कि ये फिक्शन है और मुझे लगता है फिक्शन ही नहीं है, कुछ इसमें सच्चे किस्से कहानियों और फिक्शन दोनों का मिश्रण है। मैं इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये किताब भी उतनी ही मजबूत, उतनी समर्थ लेखन में, भाषा में, शैली में होगी जितनी कि इनकी दूसरी किताब एलोजन की भाषा थी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी इस किताब के लिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो अपनी चौथी और पांचवी किताब के साथ भी आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी। मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारे बीच में यशवंत राणा जी मौजूद हैं, जो खुद एक कवि हैं, लेखनी के उस्ताद हैं और महुआ चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं। मैं यशवंत जी से निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। हरीश का फोन तो आज ही मिला मुझे, लेकिन कल रात में डॉक्टर रवि मलिक से भी बात हुई थी तो पता चला कि हरीश की किताब का विमोचन जो है वो आज है। हरीश की किताब मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते उसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन इतना दावा है कि अगर कोई आदमी बहुत संवेदनशील होगा और उसकी भाषा अच्छी होगी तो अच्छा लिखेगा। और हरीश की तमाम कहानियों के पीछे एक नोट है कि फलां पुरस्कार, फलां पुरस्कार, तो इस बात की तस्दीक या गारंटी है कि बहुत अच्छी कहानियां हैं। जिस बात का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा वो ये कि अक्सर ये कहा जाता है कि टेलीविजन में काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके पास रचना धर्मिता नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती है, समाज को, सवाल को, सियासत को ठीक से पकड़ने समझने की ताकत नहीं होती है। हरीश इसका जवाब है और मुझे लगता है कि टेलीविजन में जितनी प्रतिभाएं हैं अगर हमारी जिंदगी ने हमको इस तरह से झोंका नहीं होता तो हमने साहित्य को भी बहुत कुछ दिया। हम दरअसल एक पहाड़ी नदी की तरह हैं, लगातार भागते रहते हैं, उसका शोर बहुत ज्यादा है, कहीं रुकने का नाम नहीं, और उसी भागने दौड़ने के बीच में हम वो सब कुछ बाकायदा ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों के बीच से ही कुछ लिखा जाता है। हरीश का होना या हरीश जैसे कुछ और लोगों का टेलीविजन में होना कुछ बड़े सवालों का जवाब है, और कभी कभी वो सवाल बड़े तीखे लगते हैं जब किसी मंच पर या किसी चर्चा में, किसी सेमिनार में यह सवाल होता है कि टेलीविजन के लोग तो बड़े छिछले होते हैं और उनको समझ नहीं होती है और पता नहीं कहां से आ गए। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। टेलीविजन में जितनी प्रतिभाएं हैं मुझे लगता है कि किसी भी पेशे में बेहतरीन प्रतिभाएं जितनी होती हैं उनका प्रतिशत जितना होता है उतना प्रतिशत टेलीविजन में भी है। मुझे लगता है कि हम सभी पत्रकारों को इस तरह की रचनाओं को हमेशा सामने लाना चाहिए ताकि समाज के सामने और लोगों के सामने कुछ मिसालें हम भी कर सकें, कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू यशवंत राणा जी। यहाँ मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसे देखने के लिए आप बार बार चैनल खोलते हैं, ये ऐसा शख्स जिसने सिर्फ राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मकाम बनाया है, जिसको सुनने के लिए मैं भी और आप सभी लोग बेताब हैं। मैं निवेदन करूंगा आशुतोष जी से कि वो भी चंद शब्द कहें। मित्रों, मैं कहानीकार तो बिल्कुल नहीं हूं, पिछले दिनों मैंने एक किताब लिखी थी लेकिन वो किताब फिक्शन नहीं थी, वो फैक्ट्स पे आधारित थी, हमला के आंदोलन में। इस किताब को भी मैं कह सकता हूँ 70 से 80% तक मैंने किताब पढ़ ली है, इसमें बहुत कुछ है
और दरअसल शायद हरीश को जानने के लिए मुझे इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत थी। हरीश को मैं पिछले 5-5.5 साल से जानता हूँ और जब भी हरीश की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दिल्ली शहर में एक ऐसा भी शख्स है जिसमें अपने तरीके की एक अजीब सी मासूमियत जो जो हर परिस्थिति के अंदर इतना मासूम सा सवाल कभी कभी कर देता है कि मन को लगता है कि दिल्ली जैसे, क्योंकि तो दिल्ली क्या है, दिल्ली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। दिल्ली जो है वो अपने आप में बहुत गुथी हुई है, एक जलेबी की तरीके से। और इस जलेबी जैसे संसार में जब एक बहुत सीधा सा आदमी आता है तो उसको समझ नहीं आता, वो खड़े तो खड़े क्या। अब जैसे इसकी इनकी पहली कहानी जो इस पुस्तक की है, उसमें यही मुंबई है, वो जो पात्र है, जो 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 हीरो है या जो किरदार है, वो कितने मासूम से सवाल खड़े करता है। और हरीश दरअसल उसके बहाने बड़ी मासूमियत से बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, सूरज की रोशनी क्या होती है, किरण क्या होती है, कैसे उसको अनुभूति करते हैं, कैसे उसको महसूस कर सकते हैं। दरअसल पात्रों के बहाने खुद हरीश हमसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं और ये जानने की कोशिश करने करते हैं की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों। दिल्ली शहर के अंदर ये सवाल खड़े करना ही बहुत बड़ी बात है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ एक 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 तरीके की दृष्टि हो गई है कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार नहीं करो। अगर आप उसको उस तरीके से स्वीकार नहीं करोगे तो शायद आप कामयाब नहीं। यहाँ ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें भी अगर आप देखें कि वो जो बलात्कार वाली 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 जो कहानी है वो क्या है, वो भी दरअसल बच्चों की मासूमियत है। वहाँ भी सवाल खड़े किए गए हैं, सवाल पूछे गए हैं और उस सवालों के जवाब खोजने की एक बहुत मासूम सी कोशिश है। काश मेरे साथ भी बलात्कार होता। और जब वो बच्चे अंत में कहते हैं कि अरे पागल, बलात्कार पापा नहीं कर सकते, वो तो रमण अंकल करेगा। तो ये जो लाइन है, प्रिया जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है वो कहते अरे पागल, बलात्कार पापा नहीं कर सकते ना, वो तो रमण अंकल। ये लाइन आपको दरअसल अंदर से हिला देती है और आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं, यार ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी मासूमियत है कि जो विक्टिम है उसको ही नहीं पता कि दरअसल वो विक्टिम है। वो अपने विक्टिमहुड को सेलिब्रेट कर रही है और बाकी के बच्चे उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। ये जो दुनिया हरीश ने बनाई है, रजत सन तो कर सकते हैं शैतान तो का, हाँ हाँ सबकी सहमति होती लगती है बना, लेकिन ये दोनों तो जेल में है, अब क्या करें। तभी चंचल की सलाह से सबकी आंखों में चमक पड़ता होगा। चंचल कहता है मेरे चाचा थाने में पुलिस है, हम उनको बोलेंगे कि हमको रजत सर से कुछ पूछना है, फिर हम सब मिलकर रजत सर को बलात्कार करेंगे, तब हमें भी सत्या। चंचल के प्रस्ताव पर सबकी सहमति हो जाती है और बाल मंडली प्रिया के घर के किसी आशा में। क्या हम सब लोग जिस सिस्टम में शामिल है या जिस सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं, क्या हम सामूहिक तौर पर उस सिस्टम से गुजारिश कर रहे हैं कि हाँ तुम मेरा बलात्कार, या हमें इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेरा बलात्कार अभी नहीं हुआ है, काश। ये बहुत ये जो है, इसको पढ़ते समय मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चा कहता है पागल है, बलात्कार पापा नहीं करते, वो तो हमारे। लेकिन ये कहानी का एक अंश है। ये हरीश की जिंदगी, हरीश की शख्सियत, हरीश के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू भी उसी मासूमियत से जुड़ा हुआ है कि अपनी संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए, अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हुए टीवी चैनल में पिछले 3-4 सालों में, अगर पिछले 2 सालों को छोड़ के उसके पहले के 3-4 सालों के अंदर अगर आप काम कर रहे हो और उसके बावजूद अगर आपके अंदर एक कोफ्त न पैदा हुई, आपको अपने अंदर एक घिन न पैदा हुआ हो, अगर आपको अपने आप से तकलीफ न हुई हो और अगर आप ये महसूस न कर रहे होते कि मेरा बलात्कार हो रहा है, तो शायद ये इस किताब का जन्म नहीं होता। मुझे लगता है ये किताब कहीं ना कहीं आगे चलकर वो टीवी चैनल्स का जो इतिहास था, जो जो बहुत ही
बहुत ही कड़वा कड़वा सच था। वहां पर आके वो कहता है कि महाविनाश की खबर देखकर वो परेशान हो चुकी थी, उसी उधेड़ बन में उसने आत्महत्या की। पहली गलती तो ये थी कि मना करने के बावजूद उसने न्यूज चैनल देखा, दूसरी गलती ये थी कि उसे सच मान लिया, और तीसरी आखिरी गलती ये थी आखिर तक वो इन तथाकथित चैनलों को न्यूज चैनल सच मान। क्या ये लाइन हम जैसे टीवी पत्रकारों को ये लाइन बांटते समय क्या हमें अपने अतीत पर कहीं किसी कोने शर्म नहीं आती? पहली गलती तो थी कि मना करने के बावजूद उसने न्यूज चैनल देखा, दूसरी गलती ये थी उसे सच मान लिया, और तीसरी आखिरी गलती ये थी आखिर तक उन तथाकथित चैनलों को न्यूज चैनल नहीं मानती। तो लगता है ये सवाल वही शख्स कर सकता है जिसने इस संवेदनहीन तंत्र के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के अंदर अपने अंदर की मासूमियत को बहुत सजो कर बचा कर। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, इस पुस्तक को हम लोग के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी, आपके शब्दों ने वाकई दिल को हिला दिया है। मैं आपका ध्यान इन दो लाइनों पर डालना चाहता हूं कि दिल के दीवारों दर पर क्या देखा, बस तेरा नाम ही दिखा देखा, तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजीत अंजुम जी को जो कि इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। देश के टीवी न्यूज चैनलों में वो अंजुमन हैं जहां हर खुशबू इनसे होकर गुजरती है। इन्होंने